नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, ए आई आई टी दिल्ली, बी आई आई टी कानपुर, सी आई आई टी मुंबई या डी आई आई टी देहरादून। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की पुख्ता तैयारी, मतगणना केंद्र पर 3 श्रेणी में होगी सुरक्षा व्यवस्था। भागलपुर के सुल्तानगंज, नाथनगर, भागलपुर नगर, कहलगांव, पीरपैंती, गोपालपुर और बिहपुर में हुए मतदान की आज यानी 10 नवंबर को मतगणना कार्य होना है। वहीं मतगणना के लिए भागलपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही मतगणना का कार्य होता था, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिहपुर, गोपालपुर, नाथनगर और भागलपुर का मतगणना करवाया जाएगा, जबकि महिला आईटीआई कॉलेज में पीरपैंती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा के सभी बूथों पर हुए मतदान का गिनती होना है। इसी कड़ी में दोनों मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था 3 श्रेणी में होगा। केंद्र पर अर्धसैनिक बलों के अलावा बीएमपी और जिला बल के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार की माने तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। वहीं सुबह 9:30 बजे तक पहला रुझान आने की प्रबल संभावना है। दोपहर 1 बजे तक प्रत्याशी की जीत हार की स्थिति भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। डीएम की माने तो पहले बीपुर विधानसभा और आखिर में भागलपुर और पीरपैंती का रिजल्ट आएगा। तैयारी चल रही है यहाँ पे, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर 3 विधानसभा का जो है कि काउंटिंग होना है, और ग्राउंड फ्लोर पर सुल्तानगंज विधानसभा का है, फर्स्ट फ्लोर पर कहलगांव विधानसभा का है, और इसके ऊपर द्वितीय तल पर जो है पीरपैंती विधानसभा का काउंटिंग की तैयारी चल रही है। कितना टेबल के आप अभी देख रहे हैं कि हमारे जो इलेक्शन एजेंट होंगे उनके लिए 3 रो बनाया गया है। सभी इलेक्शन एजेंट यहाँ पर से जाएंगे, यहाँ पे उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी और उसके बाद उनको सीढ़ी के माध्यम से सभी फ्लोर पर उनको भेजा जाएगा, और CISF वाले हमारे उनके प्रॉपर चेक करके भेजेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाए गए हैं, एक विधानसभा में 60 टेबल कोरोना को देखते हुए, और दूसरे रूम में भी 60 टेबल लगाए गए हैं। इस तरह से एक विधानसभा में 14 टेबल पर गिनती की जाएगी। सबसे पहले ETPBS सेवा मतदाता का गिनती होगा, उसके बाद हमारे जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लोग कर्मी थे उनका पोस्टल बैलेट का भी गिनती होगा, और आधे घंटे के बाद हमारा जो है कि सभी बूथों पर के जो है कि CU कंट्रोल यूनिट से गिनती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, और हमारे प्रशासन की ओर से सभी कमरों में जो है कि प्रॉपर जो है कि लाइट की व्यवस्था की गई है। 2 टेबल RO का लगाया गया है, RO टेबल पर भी इलेक्शन एजेंट के लोग रहेंगे जो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। साथ ही साथ ETPBS की गिनती के लिए अलग व्यवस्था की गई है, सभी ETPBS काउंटर पर सरकारी निर्देशानुसार कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, स्कैनर की व्यवस्था की गई है, प्रॉपरली ट्रेंड वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की लगाई गई है, और हम समझते हैं कि प्रशासन को उसे सही तैयारी मुकम्मल यहाँ पर चल रही है। सारी गाड़ियां सामने एक बना है पार्किंग स्थल है, और कोई भी वहां नहीं एडिट करेगा। जितने भी हमारे सरकारी गाड़ी है, मतलब जो भी हमारे कर्मी है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान,
होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नन एसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर के डीएम एसएसपी ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम और एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर प्रत्याशी और समर्थकों के आने के लिए गाइडलाइंस भी जारी किया है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में नहीं आ पाएंगे। वहीं जुलूस के लिए वाहनों की अनुमति सक्षम प्राधिकार से लेनी होगी। मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। वहीं सोमवार को डीडीसी सुनील कुमार ने दोनों मतदान केंद्रों का मुआयना कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था और की गई तैयारी का। केवल जिला निर्वाचन पदाधिकारी एसएसपी सहित सभी अधिकारी या ऑब्जर्वर साहब, 3 वाहन एंटर करेगा वहां पर जो मजिस्ट्रेट और साइलेंस कुमार, और कोई भी वाहन नहीं एंट्री करेगा। जितने भी हमारे सरकारी गाड़ी है, मतलब जो भी हमारे कर्मी हैं। नवगछिया कभी भक्तों को निराश नहीं करती है भवानी पुर वाली काली मैया। 200 वर्ष पुराना है मंदिर का इतिहास। नवगछिया बाजार के महज 1 किलोमीटर दूर अंगरा प्रखंड के भवानीपुर वाली काली मैया के बारे में भक्त कहते हैं कि यहां की काली मैया ने आज तक अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। भक्त अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि माता को बड़े चढ़ावे और आडंबर युक्त पूजा नहीं चाहिए। समर्पण भाव से जो माता के शरण में गया, उसने फिर कभी कहीं हाथ नहीं फैलाया। यही कारण है कि दिन रात माता का वैभव बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर के बारे में कई तरह की कहानी दादी नानी की कहानियों के तरह प्रचलित है। कहा जाता है कि 200 वर्ष पहले भवानीपुर गांव के कुछ बच्चे खेल ही खेल में मां काली की एक प्रतिमा का निर्माण कर दिया और खेलने के क्रम में एक बकरे पर कुश से प्रहार किया था। कुश के प्रहार से बकरे का सर धड़ से अलग हो गया था। इसी चमत्कार के बाद गांव में मंदिर की स्थापना की गई और प्रत्येक वर्ष काली पूजा धूमधाम से मनाया जाने लगा है। कहानी को हकीकत कहा जाए या फिर एक फसाना, लेकिन यहाँ आज भी दंत कथा में उपरोक्त कहानी सुनी और सुनाई जाती है। वहीं आयोजन मंडल के व्यवस्थापक प्रशांत कुमार उर्फ पिंटू यादव ने कहा कि कोरोना काल में प्रशासनिक स्तर से जारी किए गए सभी प्रकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मां काली की पूजा भक्ति भावना के साथ की जाएगी। मंदिर 200 साल पुरानी है। यह हमारे भवानीपुर के पंचायत के पोदार टोला में बच्चों के खेलते खेलते कुश से पठा का बलि हुआ, जिससे कि हमारा यह काली मंदिर का स्थापना हुआ। कौन लोग खेल रहे थे? बच्चे लोग पदार टोली में खेल रहे थे। कब? 200 साल पुरानी है कहानी। अच्छा, 200 वर्षों से यह मंदिर में हमारे यहाँ पठा बलि का कार्यक्रम होता है। उसके बाद क्या हुआ? खेल में तो हो गया क्या? किस तरह से यहाँ पे आई माँ? यहाँ माँ आई, कुछ से पठा जो है ना, बच्चे बच्चा खेल रहा था, बच्चे बच्चा में पठा कुछ से पठा कट गया। कौन पठा? पठा जो होता है, बकरी का पठा, वही तो हम लोग का ये। उस वजह से पोदार टोली से मूर्ति स्थापित किया गया। पहले पुराना मंदिर हमारे पोदार टोली में था, उसके बाद नया हम लोग का काली मंदिर यहाँ पर आया। यह 200 वर्षों से यह प्रथा चले आ रही है। क्या व्यवस्था है इस बार कोरोना काल में यहाँ पे? यहाँ पर पूजा पाठ का सारा इंतजाम किया गया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम मेला लगा रहे हैं और जाकर नवगछिया। तेजस्वी के जन्मदिन पर प्रशंसकों ने काटा केक की लंबी उम्र की प्रार्थना। नवगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी चौक पर नेता प्रतिपक्ष व मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मौके पर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे संतोष कुमार ने कहा कि तेजस्वी जी के लिए उनके प्रशंसकों ने लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और वे जनसेवा के प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ते रहेंगे, इसके लिए भी प्रार्थना की है।
मौके पर संतोष कुमार, निरंजन प्रसाद, सुभाष यादव, श्याम मुरारी, नवीन कुमार शर्मा, विजय कुमार पुद्दार, बादल कुमार, प्रवीण चौधरी, डॉक्टर देवकी नंदन यादव, मुकेश ठाकुर, जितेंद्र कुमार यादव, राजेश ठाकुर सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया कार्यकारिणी गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा की नई कार्यकारिणी सत्र 2020-21 का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह मारवाड़ी विवाह भवन के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष निखिल जिरानिया के द्वारा एवं मंच संचालन पूर्व प्रांतीय पदाधिकारी एवं भूतपूर्व अध्यक्ष युवा रवि प्रकाश सराफ के द्वारा किया गया। वही मौके पर बालकृष्ण पंसारी, प्रीतम चिरानिया, पारस केमकार राज चौधरी, अनुराग पंसारी, डॉक्टर बादल चौधरी, संदीप सराफ, दीपक मोंडिया, कमल टिबरेवाल, सुनील वर्मा, सौरभ नोरली सहित कई अन्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, हाई स्कूल के सामने, नवगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जयसवाल 9709610052829294। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, हाई स्कूल के सामने, नवगछिया। गोपालपुर काली पूजा व छठ को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। 9 दुर्घटना के अलर्ट मोड में प्रशासन। गोपालपुर थाना परिसर में सोमवार को थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने काली पूजा व छठ को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रखंड के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व काली पूजा समिति व छठ पूजा समिति के सदस्यों व गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित कर काली मां की मूर्ति की स्थापना व विसर्जन रूटों पर छठ घाटों की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि पूर्व से संवेदनशील रहे घाटों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा तथा घाटों पर स्थानीय गोताखोर की तैनाती व खतरे के निशान हेतु बांस बल्ला लगाया जाएगा। बताते चलें कि गुरुवार को तिंटेंगा करारी स्थित दर्शनीय घाट में नाव के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं मौके पर सरपंच शंभू यादव, पूर्व जिला पार्षद विकास कुमार भारती, मुखिया गिरधारी पासवान, पूर्व मुखिया राघवेंद्र कुमार, सरपंच देवन हरिजन, संजय सिंह, धर्मनाथ मंडल, विनय कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। 29 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को होने वाले मतगणना के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु नवगछिया अनुमंडलीय प्रशासन स्तर से पूरे अनुमंडल में 29 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं 33 स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नवगछिया SDO अखिलेश कुमार ने बताया कि चुनाव के मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतगणना के पूर्व संध्या पर निकाला गया फ्लैग मार्च, वाहनों की हुई जांच। विधानसभा चुनाव के मतगणना के पूर्व संध्या पर नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया एवं विधि व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। नवगछिया थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष अमर विश्वास के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर के मेन रोड, स्टेशन रोड, गौशाला रोड, मनिया मोड़, पुजानी मक्का तकिया में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा नवगछिया NH 31 एवं मदन अहिल्या के पास वाहनों की जांच की गई।
पुलिस बलों ने जांच के दौरान दोपहिया वाहन एवं निजी वाहन की डिक्की को जांच किया। एसपी स्वप्नाजी मेश्राम ने बताया कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया एवं फ्लैग मार्च। काली पूजा को लेकर रंगरा थाना में किया गया शांति समिति की बैठक। रंगरा थाना परिसर में सोमवार को काली पूजा को लेकर मंदिर समिति के साथ थानाध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां थानाध्यक्ष ने समिति के लोगों से कहा कि रंगरा में तीन जगहों पर काली पूजा किया जाता है, जिसमें भवानीपुर, रंगरा की बुढ़िया काली और छोटी काली में पूजा अर्चना होता है। सभी पूजा समिति को कहा गया है कि डीजे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पंडाल और कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। नवगछिया तिनटेंगा करारी में रेस्क्यू अभियान बंद, वापस हुई एसडीआरएफ की टीम। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी के दर्शनिया गंगा घाट पर पिछले पांच दिनों से शवों की खोज हेतु एसडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया गया है। सहायक कमांडेंट राजेश कुमार मीना ने बताया कि एसडीआरएफ ने दो शवों को रेस्क्यू कर निकालने में कामयाबी हासिल की, परंतु तीन लोग अब तक लापता ही हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को 40 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, परंतु सफलता नहीं मिली, अतएव रेस्क्यू अभियान को बंद कर दिया गया है। अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि वरीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, अब परिजन के द्वारा खोजबीन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक लालू मंडल की पत्नी गीता देवी, कौशल्या कुमारी व बिंदु देवी का शव बरामद नहीं हो सका है। वहीं सरपंच शंभु यादव ने बताया कि जिनके शव अभी तक नहीं मिले हैं उनके परिजन परेशान हैं और सुबह से शाम तक गंगा नदी में स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से अपने परिजनों की तलाश। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, हाई स्कूल के सामने नवगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जयसवाल 9709610052829294। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, हाई स्कूल के सामने नवगछिया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने नवगछिया।